विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को ग्वालियर चंबल से लगातार झटके लग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक रघुराज धाकड़ ने बीजेपी छोड़ एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी में सिंधिया के साथ शामिल हुए उनके समर्थकों ने 2 माह में यह तीसरा झटका दिया है। सिंधिया के गढ़ में इस तरह भाजपा के नेताओं के पलायन ने नेतृत्व के माथे पर चिंता की लकीरें जरूरत ला दी है। हालांकि भाजपा इसे विचारधारा की लड़ाई बता रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ग्वालियर चंबल क्षेत्र से बुधवार को पूर्व दस्यु मलखान सिंह सहित भिंड से जिला पंचायत सदस्य सुहानी कुशवा ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ली, तो वहीं एक दिन बाद ही गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक रहे रघुराज धाकड़ ने दिग्विजय सिंह के पुत्र व पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के साथ कमलनाथ के बगले पहुंचकर एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया। रघुराज धाकड़ अपने समर्थकों के साथ भोपाल पहुंचे, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की पुनः सदस्यता दिलाई। घर वापसी की बात यह है कि पूर्व में भी हम वहीं थे, किसी कारण बस समय की स्थिति को देखते हुए उस टाइम सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। 32 साल से मैंने काम किया तो मैं भी शायद एक उम्मीद रखता हूँ, तो आज हमको इतना दरकनार कर दिया कि हमारा नाम लेवा भी नहीं रहा। रघुराज धाकड़ साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। वह शिवपुरी के कोलारस के रहने वाले धाकड़ किरार समाज के प्रमुख नेता हैं। इसके साथ ही चंदेरी से जयपाल सिंह यादव और यदुराज सिंह यादव ने भी समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। ये नेता भी कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के साथ कमलनाथ के आवास पहुँचे थे, जहाँ कांग्रेस पार्टी आए हुए नेताओं का स्वागत कर रही है, तो वहीं बीजेपी से विचारधारा की लड़ाई बता रही है। निश्चित वो गए हैं, तो एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में इतना साहस नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा आधारित कार्यकर्ता को अपने पास रख सके। इनको वहां असहजता महसूस होगी। आज अगर आप निजी कारणों से वहां चले भी गए हैं तो आप वहां ज्यादा दिन रह नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस में जो काम करने का कल्चर है वो व्यक्तिवाद है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में हम विचारधारा आधारित राजनीतिक दल। देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता प्रतिदिन कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, और ये बताता है कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार किस तरफ जाना चाहती है। मध्य प्रदेश की जनता किसानों की कर्ज माफी के साथ है, मध्य प्रदेश की जनता ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ है, सस्ती बिजली के साथ है, युवाओं के रोजगार के साथ है। कुल मिलाकर आस्था के साथ विकास करने वाले कमलनाथ जी के साथ मध्य प्रदेश की जनता है। बहरहाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक बैजनाथ सिंह यादव और राकेश गुप्ता के बाद अब रघुराज धाकड़ ने भी अपनी घर वापसी कर ली है, तो वहीं इन नेताओं के वापस कांग्रेस में जाने से सिंधिया को बड़ा झटका लगना माना जा रहा है। वहीं चुनावी साल में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे नेताओं के चलते सत्ताधारी पार्टी के माथे पर बल पड़ने लगे हैं। दिनेश शुक्ल, INS 24/7, भोपाल।